गाय से जुड़ना है, गाय को बचाना है, अपने आप को बचाना है और अपने आप को गौमाता से जुड़ना है, जानना है कि गाय, लोग कहते हैं अरे गाय तो एक जानवर है, सड़क पे पड़ा हुआ रहता है, वैसा नहीं है। गाय आपके सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जीवन में शामिल है। ये देख बात के लोग बार्गेन करते हैं, बार्गेन ठीक ठीक करते हैं लेकिन बार्गेन कम करते हैं लेकिन अच्छे हैं, नहीं और नहीं करना चाहिए इतना बार्गेन। रात तो वक्त की पाबंद है, देखना ये है चरागों का सफर कितना है। नमस्कार, लाइव इंडियन कार्ड से मैं मल्लिका, कोयलांचल तैयार है। और हाँ, वो जो दुर्गोत्सव का मेला लगा था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। आनंद मंगल संस्थान ने 2 दिवसीय मेला लगाया है। मेले में तो बहुत कुछ है लेकिन जहाँ मेरा मन ठहर गया, चलिए बात उसी की करते हैं। ये नज़ारा कितना भव्य है, बस आनंद मेला दीपोत्सव में आने भर की देर है। मैं इस स्टॉल के मालिक से पूछना चाहूँगी कि ये इतना खास क्या है और कैसे बना और कितना वक्त लगा। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। ये आनंद मेला में आप कब से जुड़ी हैं और यहाँ किस शहर से हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं आनंद मेला में 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा ये घर पे ही सारा प्रोडक्ट रहता है, घर पे बुटीक है मेरी। और यहाँ लगाने का मकसद ये है कि एक छत के नीचे लोगों को सारी वैरायटी मिल जाती है और घर घर जाना की परेशानी नहीं करनी होती है, इसीलिए हम सबके लिए यहीं पे सामान लेके आते हैं। यहाँ बात के ही कारीगर लोगों ने बनाया है? ये हमारा राजस्थान के कारीगर ने बनाया। धनबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, तो अपना जरा प्रमोशन कर दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि बहुत यूनिक वैरायटी है और कहीं कभी भी कोई चीज़ में कंप्लेन नहीं आएगी, हर तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं और हाथ का काम करने से जो भी हाथ का काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन भर का कुछ पूंजी होगा, इसीलिए सबका सहयोग होगा। हजार बागों का शहर हजारीबाग, जी हाँ हम पहुँचे हैं हजारीबाग। जानते हैं सभ्यता विकास की जननी है, साथ ही परिधान भी इंक्लूडेड है। मैं जानना चाहूँगी कि इस स्टॉल में आखिर क्या कुछ खास है और हजारीबाग को तो धनबाद वाले पहचानते ही हैं। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा रुचिका जैन। कब से आनंद मेला से जुड़ी हैं और किस तरह ये आइडिया क्रिएटिविटी आई? मैं 2019 से जुड़ी हूँ इसमें, तो 2-3 साल का ब्रेक हो गया था मेरा, एक्चुअली बेबी हुआ तो अभी वापस बैक टू वर्क हुई हूँ। तो फर्स्ट यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगता है, जो रिस्पांस मिलते हैं, जो कस्टमर आते हैं, यहाँ का रिस्पांस वापस दोबारा खींच के मुझे यहाँ लेके आया है वापस। धनबाद के लोग बार्गेनिंग अच्छा करते हैं। बार्गेनिंग तो सब जगह होती है मैम। तो मैम दर्शकों से कुछ खास बताइए, ऐसा कुछ खास कि लोग बस यहीं पर आकर भीड़ जमा हो जाए। हमारे पास सब कुछ है, कॉट सेट, सूट्स, लहंगा, साड़ी, एवरीथिंग वेरिएशन्स हैं हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे मैं कुछ पीसेस अगर दिखाना चाहूँ, फिर डोंट माइंड, आप देख सकते हैं। जैसे ये कॉट सेट है, ये हमारा शेडेड में विद कफ्तान, सूट्स में आप देख सकते हो, जैसे करवा चौथ आ रहा है तो कुछ नाल का पेट मैंने दिया है इसमें, एंड पूरा मुकेश वर्क एंड कोटा हैवी दुपट्टा, ये सब आप देख सकते हो। तो यहाँ करवा चौथ तक की भी आप तैयारी कर सकते हैं। पता है मैम कितनी खूबसूरती से बता रही हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और नारी शक्ति की अद्भुत क्षमता यहाँ देखने को मिली। छोटा सा बेबी है इनका लेकिन उसके बाद भी इन्होंने खुद के लिए वक्त निकाला और हाँ सामाजिक उत्थान के लिए भी। ये आनंद मेला सिर्फ घूमने भर के लिए, टहलने भर के लिए मेला नहीं है, ये सामाजिक सद्भाव, कई लोगों के उत्थान के लिए भी काम करती है। आनंद मंगल
संस्थान का 2 दिवसीय मेला धनबाद में लग चुका है। वैसे कई स्टॉल यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों का अच्छा खासा ध्यान खींच रहा है ये स्टॉल जहाँ अभी हम पहुँचे हैं। जानते हैं क्या कुछ विशेष है। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अजय भरतिया है, मैं पवित्रम गोसेवा परिवार का कार्यकर्ता हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, धनबाद के ही हम लोग। और यहाँ पर क्या कुछ खास है? यह है पवित्रम गोसेवा परिवार, गाय से बने उत्पाद और ऑर्गेनिक उत्पाद जो गोबर गौमूत्र से उगाए गए हैं, ताकि लोगों को फर्टिलाइजर से मुक्ति मिले, लोगों को जहर से मुक्ति मिले, लोगों को केमिकल से मुक्ति मिले और लोग स्वदेशी उत्पादों के साथ जुड़े। और सारे के सारे इसमें स्वदेशी उत्पाद है, आप देख सकते हैं, जैसे ये घी है, ये देसी गाय का हाथ से बिलोया हुआ घी है। उसी प्रकार शहद है, ये बड़ी मधुमक्खियों का जो पुराने ज़माने में शहद, आजकल जो कमर्शियल शहद आ रहा है वो शहद नहीं है। उसी प्रकार ये सेंधा नमक है, लोगों को ताकि समुद्री नमक से हम मुक्ति दिलवा सकें। उसी प्रकार ये जो तेल है, तिल का तेल, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, ये तीनों प्रकार के तेलियाँ हैं जो कच्ची घानी से निकाले गए हैं, कोल्ड प्रेस जिसको कहते हैं, ताकि निकालने में गर्म ना हो और फैटी एसिड का निर्माण ना करें। उसी प्रकार गोबर से बने हुए दिए जो स्टॉल का मुख्य आकर्षण है, गोबर से और जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप, और ये सारे के सारे उत्पाद गोबर और गौमूत्र से, राई से लेकर के घर में प्रयोग होने वाले गेहूँ चावल, सब कुछ ऑर्गेनिक, ताकि लोग ऑर्गेनिक से जुड़ सकें और गाय के अपने आप बचने लगेगी, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी अपने आप मजबूत होने लगेगी। यही लोग स्वस्थ होंगे तो डॉक्टरों का बिल नहीं बनेगा, विदेशी कंपनियों के पास देश का पैसा नहीं जाएगा। और एक सबसे बड़ी आकर्षण की चीज़ है हमारी ये घड़ी। इस घड़ी में देखिए, ये हिंदू घड़ी नाम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर एक है, पक्ष 2 हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ईश्वर 3 हैं, तत्व 3 हैं, सत्व रजतम, वेद 4 हैं, ऋग यजु साम अथर्व, पंच महाभूत, अग्नि जलवायु गगन, हम लोग जैसा बोलते हैं दर्शन 6, सरदर्शानी हमारे भारत में 7-10, रस रज्जा रक्त वीर्य मांस मेद अस्थि, अष्टांग योग जैसे यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 9 अंक है 0 से लेकर 9 तक। ये पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को एक घड़ी बताती है। हर घर में ये घड़ी लगेगी तो लोग हिंदू संस्कृति के विषय में जानेंगे। यही स्टॉल का, सर आपकी मेहनत साफ साफ दिख रही है। धनबाद के लोगों को बस कुछ शब्दों में बताइए कि यहाँ क्यों पहुँचना है। गाय से जुड़ना है, गाय को बचाना है, अपने आप को बचाना है और अपने आप को गौमाता से जुड़ना है। जानना है कि गाय, लोग कहते हैं अरे गाय तो एक जानवर है, सड़क पे पड़ा हुआ रहता है, वैसा नहीं है। गाय आपके सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जीवन में शामिल है। ये देखिए गोनाइल, ये इतनी ज़बरदस्त गोनाइल है जो गौमूत्र से और बाकी के नेचुरल द्रव्यों से बनी हुई है, आपके वातावरण को पवित्र करती है, घर के घर आपको स्वस्थ रखती है और गाय को भी बचाती है। तो हमारा लक्ष्य गाय को भी बचाना है, लोगों के स्वास्थ्य को भी बचाना है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर से विकार प्रसन्नम, जो रोगी हैं उनको ठीक करना। हंसार सिद्धि विनायक 2 दिवसीय आनंद मेला, जहां आप आकर भरपूर आनंद उठा सकते हैं। हम स्टॉल में किसी से मिले हैं जहां हम जानेंगे कि यहां पर क्या खास है और आपको इस स्टॉल पर क्यों आना चाहिए। मैम, आपका नाम क्या हुआ? नैनिका। मैम, आप कहां से आई हैं और अपने स्टॉल के बारे में लोगों को बताइए। मेरा लखनऊ चिकन, आपने सुना होगा, लाइक लखनऊ में चिकन फेमस है, तो बेसिकली लखनऊ से आए हैं और सारा कुछ चिकन का ही है। इधर से ये आपको चिकन का सारा वेराइटी है, जिसका मतलब 850 से लेकर मेरे ख्याल से 50,000 तक का रेंज है मेरे पास। और इधर हमने कश्मीरी भी, हैंडलूम कश्मीरी लगा रखा है, प्योर पश्मीना के शॉल्स, कानी के ये कोट्स वगैरह सारा कुछ। पहली बार धनबाद आना हुआ? नहीं, दूसरी बार, लेकिन धनबाद का रिस्पांस अच्छा था, मतलब अच्छा कस्टमर है। तो धनबाद के लोग बार्गेन करते हैं? बार्गेन ठीक ठीक करते हैं, लेकिन बार्गेन कम करते हैं, मतलब लेकिन अच्छे हैं। नहीं, और नहीं करना चाहिए, इतना मार्जिन हम लेके नहीं चलते, लेकिन धनबाद अच्छा है, धनबाद से रिस्पांस। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me.